बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, ईद करीब आ रही है तो हर घर में ना मीठे सेवैयाँ बनते ही बनती हैं। तो फ्रेंड, इस बार है ना मेरी तरीके से सेवैयाँ ज़रूर बनाना। आपके मेहमान थोड़ा सा खाएंगे और पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, जाते हैं किचन में बनाते एकदम लाजवाब सेवैयाँ। तो सबसे पहले हमें ना सेवैयाँ बनाने के लिए सिरप तैयार करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 कप जितना शक्कर, और 1 कप शक्कर के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है। उसी कप से मैं नाप कर 1.5 कप पानी इसमें डाल दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे है ना कोई चाशनी तैयार नहीं करना है हमें सेवैयाँ बनाने के लिए, शक्कर वाला पानी तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी, 1 कप शक्कर लिया है। थोड़ा सा मिक्स करके ना इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ना शक्कर अच्छे से पिघल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा शक्कर पिघल चुकी है। इसके अंदर फ्लेवर लाने के लिए 1/2 चम्मच जितना मैं यहाँ पे इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप इलायची तोड़कर डाल देना इसके अंदर। और अच्छे से मिक्स करने के बाद पिघल चुका है शक्कर, उसे रख दिया साइड में। और यहाँ पे लिया मैंने सेवैयाँ, बारीक सेवैयाँ जो बारीक वाले आते हैं ना जिसमें हम सिरकुरमा तैयार करते हैं, वही सेवैयाँ लिया मैंने। तकरीबन 250 ग्राम तक मैंने यहाँ पे बारीक सेवैयाँ लेकर है ना इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा तोड़ लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं तोड़ना है, हल्का सा थोड़ा सा हमें इनको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो इसे रख देते हैं साइड में। तो चलते गैस की तरफ। यहाँ पे लिया मैंने एक पैन, और पैन में डाल देना 1 से 2 चम्मच इतना घी, और घी को है ना अच्छे से पिघलने देना है। और यहाँ पे ना घी अच्छे से पिघल चुकी है, इसमें डाल देंगे सेवैयाँ जो हमने तोड़ के रखा था। और घी में ना सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से भुनाई करना है धीमी आंच पर, क्योंकि है ना पहले से भुनी हुई आती है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने के लिए। सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा इसके ऊपर है ना वाइट वाइट कलर का डाग पड़ना चाहिए, उतना हमें इसको सेवैयाँ को भून लेना है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा वाइट वाइट डाग पड़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है सेवैयाँ भून के तैयार हो चुके हैं। तो भुनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे सिरप, जो शक्कर वाला पानी कहते हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। 250 ग्राम सेवैयाँ के लिए 1 कप जितना शक्कर परफेक्ट हो जाएगा। तो सारा पानी इसके अंदर डालकर है ना मिक्स करते हुए हमें इसको पकाएंगे। अच्छा, 250 ग्राम सेवैयाँ के लिए ना 1 कप शक्कर और 1.5 कप पानी परफेक्ट हो जाएगा, ना ज़्यादा हो जाएगा ना कम हो जाएगा। अगर आप सेवैयाँ ज़्यादा लेते हो तो पानी और शक्कर को भी बढ़ा लेना। अच्छा, सारा पानी मैं यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ना दम के लिए छोड़ देंगे 2-3 मिनट तक, ताकि ना सारा पानी सूख जाए और सेवैयाँ अच्छे से पक जाए। तो 2-3 मिनट के बाद देखिए अच्छे से सारा पानी सूख चुका है, एकदम परफेक्ट पानी हो चुका है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो इस तरीके से हमें सेवैयाँ बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और रख देंगे साइड में। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पे गैस पर रख दिया है 1 लीटर जितना दूध, और दूध को अच्छे से पका लेना है हमें। फुल फैट वाला दूध लिया मैंने, आपके घर में जो दूध आता है वो ले सकते हो। और इसे ना धीमी आंच पर रख देंगे अच्छे से पकने के लिए दूध को, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इस चम्मच से 3 चम्मच जितना चावल का आटा लिया है। चावल का आटा है ना थोड़ा सा दूध या पानी डालकर इसे अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। पतला चावल का आटा ज़रूर डालना है इसके अंदर। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो थोड़ा सा चावल लेकर मिक्सर ग्राइंडर में घुमाना और छन्नी की मदद से छान कर तैयार कर लेना। चावल का आटा तैयार हो जाएगा, और अच्छे से घोल तैयार करके इसके अंदर डाल देंगे। छान कर डालना है ताकि ना अंदर थोड़ा भी छोटे छोटे गुठलियाँ होंगे ना तो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से छन्नी की मदद से हमें चावल का आटा का घोल डालकर मिक्स करते हुए हमें दूध को पका लेना है। चावल का आटा डालने से एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही टेस्टी सेवैयाँ बन के तैयार होती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ पे पकाया है, और दूध अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है, और जो हमने चावल का आटा डाला था ना वो भी अच्छे से पक चुका है। 1 लीटर दूध के लिए मैंने 3 चम्मच ही यहाँ पे चावल का आटा डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से पक चुका है, इसके अंदर डाल देंगे हल्का सा मिठास के लिए कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते हो तो इसके अंदर मिठास के लिए शक्कर भी डाल सकते हो। 2 या 3 चम्मच इसके अंदर मिठास के लिए शक्कर ज़रूर डालना। तो अच्छे से मिक्स करके इसे फिर से थोड़ा सा पकाएंगे। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ना वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था 2 चम्मच जितना, उसे ना दूध में थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से घोल तैयार कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ा सा पकाएंगे ताकि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। धीमे आंच पर हमें सारा प्रोसेस करना है, वरना गैस को बड़ा करेंगे ना सारा उबाल आकर नीचे जाएगा तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस तरीके से लकीर बनना चाहिए, मिक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है घोल तैयार हो चुका है अच्छे से।
अब गैस को ऑफ करेंगे, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पहले एक ट्रे उसके अंदर डाल देंगे सेवैयाँ जो हमने पका कर रखा था पहले, अच्छे से इसके अंदर डालकर चम्मच की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। पूरा नहीं डालना है, आधा हमें भरना है, और ताकि ऊपर है ना हमें जो इसके क्रीम बनाए हमने वो डालना है ना, तो आधा हमें सेवैयाँ डालना है और ऊपर से आधा हमें जो फिरनी कहिए या फिर क्रीम कहिए वो डालकर हमें इनको सेट करना है। अच्छा, चम्मच की मदद से मैंने यहाँ पे ना अच्छे से सेट कर लिया है। इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर और चावल का क्रीम तैयार किया था ना, वो डालकर अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से जिस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना है उस तरीके से बनाइए, मैंने इस तरीके से बनाया है। और साथ में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो घर में आपके अवेलेबल हो, वो डाल सकते हैं काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके घर में हो डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कितनी खूबसूरत सेवैयाँ बनके तैयार हो चुकी है। ये सेवैयाँ दिखने में खूबसूरत नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। इसे 2-3 घंटे बाद सर्व करना ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।